सुबह दोस्तों आज अच्छा आगे आगे क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम व्याकरण वह क्रिया विशेषण के बारे में आज आता है। पहले क्या है हम अव्यय क्रिया विशेषण अव्यय भाग पहला पहले हम अव्यय के बारे में थोड़ा सा जानकारी प्राप्त करेंगे। हम पिछली कक्षा में विराम चिन्हों कारक और क्या है प्रेरणात्मक क्रियाओं के बारे में अध्ययन किया है। आप सभी को बहुत अच्छी तरह से इसके बारे में जानकारी प्राप्त हुआ होगा। आज हम क्या है अव्यय के बारे में अव्यय क्या है किसे कहते हैं पहले क्या है हम अव्यय के बारे में थोड़ा सा जानकारी प्राप्त कर लेंगे। क्रिया विशेषण यह अव्यय भाग पहला। पहले हम अव्यय किसे कहते हैं अ प्लस वे इसका क्या है जो वह न हो उसे अव्यय कहते हैं। देखिए क्या है लिंग वचन पुरुष कोई परिवर्तन उसे अव्यय कहते हैं। देखिए क्या है पहले हम अव्यय की परिभाषा जान लेंगे। ऐसे शब्द जिनमें लिंग वचन पुरुष काल आदि के कारण कोई परिवर्तन न हो कोई परिवर्तन नहीं होता है उसे अव्यय कहते हैं। आपको समझ में आ गया नहीं आपको समझ में नहीं आ गया है क्या है आप बहुत ही सोच में पड़ गए हैं। मैं आपको कुछ वाक्यों को लिखती हूँ आपको इसके बारे में अव्यय के बारे में पता चल जाता है। इसका उदाहरण देखिए पहले जैसे यहां आज कब इधर किंतु जब इसलिए आज क्या सब क्या है जो भी ये शब्द में आते हैं वाक्य में ये शब्द आते हैं वह अव्यय कहलाते हैं। और इधर देखिए मैं कुछ उदाहरण देती हूँ यहाँ लड़का खेल रहा है
दूसरा वाक्य यहां लड़की खेल रही थी तीसरा यहां लड़के खेलेंगे चौथा मैं यहां खेलूंगा पांचवा तुम यहां खेलो देखिए ये सभी वाक्य देखने के बाद आपको अभी भी पता नहीं चला होगा कि ये क्या है देखिए ये इधर ध्यान दीजिए आप पहला जो वाक्य में यह लड़का खेल रहा है इधर क्या है यहां यहां लड़का खेल रहा है इसमें क्या मालूम पड़ता है लड़का खेल रहा है यहां लड़का खेल रहा है यहां क्या है एक वचन आता है यहां लड़की खेल रही है यह लड़की यह पुल्लिंग हुआ यह स्त्रीलिंग हुआ हां यहां लड़के खेलेंगे यह बहुवचन है लड़के मैं क्या है उत्तम पुरुष इधर पुरुष को बता रहा है मैं यहां खेलूंगा तुम यहां खेलो तुम मध्यम पुरुष इस तरह से क्या है खेल भूतकाल भविष्य काल वर्तमान काल यह काल बता रहा है ये सभी भी देखिए आप इधर सभी वाक्य में सभी चेंज हो गए हैं शब्द परिवर्तन हो गए हैं मगर यहां क्या है यह चेंज नहीं हुआ है सभी वाक्य यहां यह है सभी वाक्य में दूसरे दूसरे शब्द चेंज हो गए हैं परिवर्तन हो गए हैं मगर यहां शब्द क्या है कौन से भी वाक्य में परिवर्तन नहीं हुआ है तो क्या है यहां क्या है यह अव्यय यह परिवर्तन नहीं होता है उधर परिभाषा में देखिए चाहे लिंग परिवर्तन हो वचन परिवर्तन पुरुष में काल में सभी क्या है अव्यय एक समान रहता है इसलिए उसको अविकारी शब्द भी कहते हैं जो परिवर्तन नहीं होता है देखिए हम पांच वाक्यों को ध्यान से देखिए यहाँ शब्द कहीं भी परिवर्तन नहीं हो गया है कहा स्त्रीलिंग पुल्लिंग परिवर्तन हो गए हैं एकवचन बहुवचन हो गए हैं पाप हो गए हैं उत्तम पुरुष मध्यम पुरुष हो गए हैं फिर भी यहाँ शब्द परिवर्तन नहीं हो गया अब आपको पूरी तरह से अव्यय के बारे में जानकारी प्राप्त हुआ होगा और क्या है अव्यय शब्द में क्या उदाहरण क्या आते हैं यहाँ और इधर उधर जब आज कब इस तरह के जो उदाहरण शब्द आते हैं अब क्या है इसके बाद हम क्रिया विशेषण के बारे में जानेंगे और क्या है अव्यय कितने प्रकार के हैं अव्यय चार प्रकार के हैं कौन कौन से है देखिए अव्यय के चार प्रकार पहला है क्रिया विशेषण दूसरा है संबंध बोधक तीसरा है समुच्चय बोधक चौथा है विस्मय आदि बोधक इस तरह से भाग अव्यय पहला अव्यय दूसरा अव्यय तीसरा अव्यय चौथा इस तरह से चार भाग है चार भेद है अव्यय के आज हम पहला भेद क्या है क्रिया विशेषण के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे क्रिया विशेषण किसे कहते हैं पहले हम इससे पहले जानकारी प्राप्त करने के लिए मैं एक छोटा सा विषय आपको आपके सामने रखना चाहती हूँ कि दो दोस्त रहते हैं कौन रहते हैं दो दोस्त रहते हैं
एक दोस्त गांव चले गए ऐसा होता है। उस दोस्त को जो पहला दोस्त क्या कहता है, फोन पर कर पूछता है कहाँ हो, कहाँ हो, देखिए कहाँ हो। तो उस लड़के ने और क्या बताता है, मैं बेंगलोर आया हूँ। कहाँ आया हूँ, बेंगलोर आया हूँ। कब गए, कब गए, आज सुबह, इस तरह से। हाँ क्या है, आज सुबह का। और क्या है, फिर पूछते हैं कैसे गए, कैसे। वो कहता है दोस्त गाड़ी से आया हूँ, इस तरह से। फिर उस दोस्त ने कहता है क्या है, कितने दिन रहोगे बेंगलोर में। हाँ वो उस दोस्त कहता है कुछ दिनों, या क्या है चार दिन, इस तरह से कहते हैं। देखिए इन सारे में क्या है, हमारे वो विशेषण, क्रिया विशेषण के जो प्रकार इसमें है, कैसा देखिए। पहला प्रश्न पूछता है कहाँ गए हो, जगह पूछता है, कौन सी जगह, बेंगलुरु। क्या है बेंगलुरु, क्या है यह एक जगह है, इस तरह से क्या है जगह स्थानवाचक कहलाता है। और क्या है कब गए, क्या है यह कालवाचक के बारे में बताता है। और क्या है कैसे गए, क्या है कैसे का मतलब क्या है, रीति, तरीका, किस तरह से यहाँ से बेंगलुरु पहुंच गए, गाड़ी से पहुंच गए, यह क्या रीतिवाचक बताता है। और क्या है कितने दिन रहोगे, वो कितने दिन वहां पर रहते हैं, उसके बारे में चौथा प्रश्न पूछते हैं ना। तो वो कहता है कुछ दिन या चार दिन, इस तरह। यह क्या है परिमाण वाचक क्रिया विशेषण। हमको क्या है इस कहानी के द्वारा चारों प्रकारों के बारे में पता चलता है। आइए अब हम देखिए क्रिया विशेषण किसे कहते हैं। जो अव्यय के चार प्रकार है उसमें जो पहला प्रकार आज हम अध्ययन करेंगे, क्या है क्रिया विशेषण। पहले क्या है क्रिया विशेषण की परिभाषा के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, देखिए जब भी हम किसी परिभाषा के बारे में जानने के लिए क्या करना चाहिए, हमको शब्दों को तोड़ कर उसकी अर्थ के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहिए, तभी हमको उसके परिभाषा के बारे में पता चलता है। किस तरह से देखिए क्रिया विशेषण, कौन सा आज तक ग्रामर में जो भी व्याकरण में आते हैं ना, वो सभी क्या करना चाहिए, हम शब्दों को तोड़कर उसके अर्थ से क्या है उसकी परिभाषा जानना चाहिए। क्रिया विशेषण, क्रिया का मतलब क्या है, हम जो भी कर्ता जो कार्य करता है उसको हम क्रिया कहते हैं। पिछली कक्षा में हम क्रिया के बारे में जानकारी प्राप्त किए हैं, कुछ भी करता कार्य करता है उसको क्रिया कहते हैं। विशेषण का मतलब क्या है, उस कार्य की जो विशेषता बताया जाता है उसे हम विशेषण कहते हैं। इस तरह से हम शब्दों को तोड़ने से क्या होता है, हमको इसके बारे में अर्थ पता चलता है और इसकी परिभाषा अपने आप याद हो जाता है, हमको ज्यादा परिभाषा याद करने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। पहले हम शब्दों के अर्थ क्या है इस तरह से तोड़ पर हम उसे उसके अर्थ के बारे में जानकारी प्राप्त करने से क्या है हमको व्याकरण बहुत ही सरलता से पता चलता है। अब पता चला होगा क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा भी। जो शब्द क्रिया के विशेषता बताते हैं उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। देखिए बहुत ही सरल है, एक ही एक लाइन में, एक ही एक वाक्य में आपको इस क्रिया विशेषण के बारे में पता चलता है। क्या है, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उसे क्रिया विशेषण कहते हैं।
उदाहरण देखिए, मंजू मंद मंद मुस्कुरा रही है, रही थी। देखिए इधर क्या है, मंजू, मंजू क्या है, करता। मंद मंद क्या है, जो उसके बारे में बता रहा है, क्या है, मंद मंद मुस्कुरा रही थी। देखिए इसके बारे में क्या है, यह मंजू क्या है, करता है, क्या उसका काम क्या कर रहे हैं, वह मंद मंद मुस्कुरा रही है। पता चला ना आपको, क्रिया विशेषण, कर्ता जो कार्य कर रहा है उसकी विशेषता बता रहे हैं, मंद मंद इस तरह से। और देखिए, तुम हिमाचल कब आओगे, देखिए तुम हिमाचल कब, इधर क्या है, इधर करता है, हिमाचल कब आओगे, इधर पूछ रहे हैं कब आओगे, यहाँ क्या है, उस क्रिया की विशेषता बता रहे हैं। क्रिया विशेषण के चार भेद है, कितने भेद है, चार भेद है। मैं अभी जो कहानी सुनाएगी ना आपको दोस्तों की, उस कहानी में इन चार प्रकारों को लिया गया था। कौन सी कहानी, जो तो दोस्त रहते हैं, एक दोस्त बेंगलुरु जाता है, उसको पूछता है कि कहाँ गए हो, कब गए हो, और क्या कैसे पहुंचे, कितने दिन हो गए, इस तरह से इन छोटी सी कहानी में इन चारों प्रकारों को लिया गया है, क्रिया विशेषण के भेद चार। यह अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण चार भागों में बांटा गया है। पहला है कालवाचक, कालवाचक क्रिया विशेषण। एक एक करके हम सभी इन प्रकारों को जान जाएंगे। क्या है पहला कालवाचक क्रिया विशेषण, दूसरा स्थानवाचक क्रिया विशेषण, तीसरा रीतिवाचक क्रिया विशेषण, चौथा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। इस तरह से चार प्रकार है। जो पहला कालवाचक क्रिया विशेषण का परिभाषा देखिए, इधर क्या है, मैंने पहले ही कहा था शब्दों को तोड़कर उसकी परिभाषा जानना चाहिए। किस तरह से देखिए, जो शब्द क्रिया के काम या समय की विशेषता बताते हैं उसे हम कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। काल का मतलब क्या है, समय। जो शब्द काल अथवा समय के बारे में उनकी विशेषता बताते हैं उसे हम कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जो शब्द क्रिया के काल या समय की विशेषता बताता है उसे कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। देखिए हमको इधर क्या पता चलता है, कालवाचक से समय और काल का पता चलता है इस परिभाषा में। हाँ, जो समय और काल के बारे में हमको उसके विशेषता के बारे में बताते हैं उसे हम क्या कहते हैं, कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। उदाहरण देखिए इधर वाक्य, मोहन परसों
शिमला जाएगा। देखिए वाक्य के तरफ ध्यान दीजिए, मोहन परसों कब जा रहा है उसके समय के बारे में पता चल रहा है हमको। क्या है, हम भी कहते हैं कल मैं गांव जाऊंगा, परसों मैं गांव जाऊंगा, परसों मैं शादी में जाऊंगा, इस तरह से कहते हैं। ये परसों क्या है, यहाँ हमको उसके जाने का समय के बारे में पता चल रहा है। मोहन कब जा रहा है, परसों क्या है, शिमला जाएगा। ये परसों शब्द क्या है, कालवाचक क्रिया विशेषण। पता चला ना बच्चों, और कालवाचक नामवाचक क्रिया विशेषण किसे कहते हैं। अब दूसरा उदाहरण देखिए, सीता प्रतिदिन विद्यालय जाती है। देखिए सीता क्या है, प्रतिदिन विद्यालय जाती है, एक दिन छोड़कर एक दिन नहीं जाती है। वो कैसे जाती है, स्कूल को, विद्यालय को, प्रतिदिन विद्यालय जाती है। इससे हमको क्या मालूम पड़ रहा है, प्रतिदिन कालवाचक क्रिया विशेषण। इस तरह से क्या है, हमको यह क्रिया कालवाचक क्रिया विशेषण के यह वाक्य है उदाहरण। और इसमें कोई कुछ शब्द आते हैं, उस शब्दों को आप याद रखे तो यह कौन से क्रिया विशेषण है आपको इजी से पता चलता है। देखिए अन्य शब्द जो इसके अलावा क्या है, जो वाक्य आते हैं ना उसमें जो शब्द आजकल, अभी, रात भर, दिन भर, नित्य, हर बार, कई बार आदि, इस तरह से क्या है, हमको क्या है इससे पता चलता है कि यह कौन से क्रिया विशेषण है। आजकल किसी को बहुत दिनों के बाद हमारे सामने आ गए तो क्या है, आजकल आप बहुत कम दिख रहे हैं, आजकल आप कहाँ हो, आजकल यह क्या है, कालवाचक क्रिया विशेषण। और अभी, राजू अभी चला गया, अभी और समय बता रहे हैं हम उसे, राजू कब चला गया, राजू अभी चला गया, हम उसे काल के बारे में पता चल रहा है, क्या है, वो कब गया, अभी चला गया। रात भर, राधा रात भर पढ़ती है, क्या है, उसके काल के बारे में पता चल रहा है, वो क्या करती है, रात भर पढ़ती है। इस तरह से क्या है, यह सभी शब्द कालवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आते हैं। बच्चों दूसरा कौन सा है बताओ, दूसरा जो क्रिया विशेषण के जो प्रकार है, दूसरा प्रकार स्थानवाचक क्रिया विशेषण, कौन सा है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। हमको क्या है, इधर स्थान कहते ही पता चलता है, स्थान का मतलब क्या है, जगह, स्थान का मतलब क्या है, जगह, प्लेस, क्या है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। दूसरा स्थानवाचक क्रिया विशेषण, क्या है, कहाँ, वो शब्द क्या है, इसमें आते हैं जो जगह के बारे में, स्थान के बारे में आते हैं, जो शब्द क्रिया के स्थान का बोध कराते हैं उसे स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। बहुत ही सरल है, क्या है, स्थान, जो क्रिया, जो शब्द क्या है, किसी स्थान के बारे में,
प्रतिक्रिया के स्थान के बारे में हमको पता चलता है। वैसे शब्दों को हम क्या कहते हैं? स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। अब देखिए इधर क्या है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण के जो शब्द आते हैं, वाक्य देखिए, माताजी बाहर गई है, इसमें उदाहरण डेफिनेशन देना तो मैं पीडीएफ करके डाल देती हूँ। अब इसके बाद भी पता चला होगा स्थानवाचक क्या है, जो शब्द क्रिया के स्थान के बारे में बताते हैं उसे स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। इसमें वाक्य देखिए, माताजी बाहर गई है। देखिए इधर क्या है, इसमें जो अन्य शब्द क्या आते हैं, यहाँ वहां भीतर दाएं बाएं आदि शब्द स्थानवाचक में आते हैं। इधर क्या है, वाक्य में देखिए माता जी बाहर गई है, बाहर हम क्या कह रहे हैं, माता जी कहाँ गई है, माता जी बाहर गई है। देखिए हम बता रहे हैं उसके स्थान के बारे में बता रहे हैं। अगर एक समय माता जी अंदर रसोई घर में रसोई बना रहे तो माता जी अंदर है, इस तरह से कहते हैं। अंदर का मतलब क्या है, घर में ही है। बाहर यह क्या है, प्लेस के बारे में बता रहे हैं, क्या है, माता जी कहाँ है, कौन से जगह में है, इसके बारे में बता रहे हैं। तो यह बाहर शब्द क्या होता है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण के जो उदाहरण है। दूसरा देखिए, तुम इधर उधर मत जाना। देखिए हम बच्चों को कहते हैं कहीं गांव दूसरे गांव गए, नहीं तो फंक्शन में गए, कहते हैं बच्चों को समझा देते हैं, चेतावनी देते हैं, क्या है, तुम यहाँ इधर उधर मत घूमो, इधर उधर मत जाओ, यहीं पर बैठो। हम क्या बता रहे हैं उनको, इधर उधर जगह मत घूमो, एक ही जगह पर बैठ जाओ, इस तरह से बताते हैं। तो इधर उधर इसका मतलब क्या है, जो स्थान के बारे में बता रहे हैं, इधर उधर मत जाना, यह क्या है, स्थानवाचक के बारे में पता चलता है। अब तीसरा देखिए, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, रीति का मतलब तरीका, जो विधि, जो शब्द क्रिया के होने के तरीका अथवा रीति विधि संबंधी विशेषता बताते हैं उसे रीतिवाचक विशेषण कहते हैं। रीति का मतलब क्या है, जो तरीका, जो शब्द क्या है, क्रिया के होने के जो रीति तरीका बताते हैं उसे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। उदाहरण के लिए देखिए, रीति वाचक क्रिया विशेषण, इसका उदाहरण देखिए, घड़ी धीरे धीरे चलती है, चलती है क्रिया है, घड़ी एक वस्तु है, धीरे धीरे देखिए घड़ी किस तरह चल रही है, उसका तरीका बता रहे हैं, उसका रीति बता रहे हैं, क्या है, घड़ी धीरे धीरे से चलती है, धीरे धीरे चलती है इस तरह से। और क्या है, घोड़ा तेज दौड़ता है, देखिए क्या बता रहे हैं, घोड़ा दौड़ने की जो रीति बता रहे हैं, घोड़ा तेज दौड़ता है, इस तरह से क्या है, हमको क्या है, यह क्या मालूम हो रहा है, उसके बारे में, रीति के बारे में मालूम हो रहा है, बूढ़े लोग धीरे धीरे चलते हैं, इस तरह से क्या है, यह धीरे
केंद्रीय तेज यह जो रीतिवाचक के उदाहरण है। जो चौथा है कौन सा है चौथा बच्चों याद होगा ना आपको कौन सा है परिमाण वाचक क्रिया विशेषण चौथा। परिमाण का मतलब क्या है पहले जानना बहुत ही जरूरी है। क्या है शब्दों के सभी अर्थों को हम जान जाने के बाद ही हमको व्याकरण अच्छी तरह से मालूम होता है। एक बात ध्यान दीजिए परिमाण परिणाम यह दोनों शब्द देखेंगे। परिमाण का मतलब जो माप जो कहते हैं परिणाम का मतलब जो क्या है उसका जो रिजल्ट है उसका हम जिस तरह से परीक्षा देने के बाद उसका रिजल्ट क्या रिजल्ट आ गया है इस तरह से पूछते हैं। क्या है यह क्या है उसका परिणाम का मतलब रिजल्ट और परिणाम का मतलब मात्र मात्र मतलब थोड़ा बहुत कम ज्यादा थोड़ा पानी दो इस तरह से कहते हैं ना यह परिमाण में आता है। आज हम चौथा प्रकार कौन सा है परिमाण क्रिया विशेषण। चौथा देखिए परिमाण वाचक क्रिया विशेषण। जो पद क्रिया के मात्र परिमाण बताए उसे परिमाण वाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जो शब्द क्रिया के जो मात्र बताते हैं कितना है कितना नहीं जो माप तोल कहते हैं इस तरह से क्या है जो माप तोल के बारे में बताते हैं उसको हम क्या कहते हैं परिमाण वाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। इसमें देखिए उदाहरण बंगाल में चावल अधिक खाते हैं। खाते हैं ये क्या है क्रिया है इधर क्या है अधिक अधिक का मतलब क्या है हम बता रहे हैं उनका जो परिमाण बता रहे हैं कितना खाते हैं ज्यादातर चावल बंगाल में ज्यादा चावल खाते हैं इस तरह से अधिक यह क्या है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। दूसरा देखिए उदाहरण तुम कम बोलो। देखिए कोई बहुत ज्यादा बोलने लगते हैं बोलते जाते हैं तो हम उनको क्या है उनको चुप कराने के लिए बहुत बोल रहे हैं कम बोलो इस तरह से कहते हैं कम यह क्या है परिमाण वाचक क्रिया विशेषण। इस तरह से देखिए इसमें क्या है कौन कौन से शब्द आते हैं बहुत आते हैं खूब आते हैं अत्यंत आते हैं अति जरा किंचित कुछ बस बस का मतलब चलाने का बस नहीं हमको कुछ भी खाना हुआ बस हो गया तो हम कहते हैं बस 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 इस तरह से कहते हैं काफी है इतना उतना बारी बारी तिल तिल आदि क्या है मुझे इतना ही खाना बस मुझे इतना ही लिखने का बस मैं आज इतना ही लिखूंगा मैं आज इतना ही पढ़ूंगा इस तरह से सब परिमाण वाचक क्रिया विशेषण में आते हैं। इस तरह से क्या है आज के इस कक्षा में हम क्रिया विशेषण जो अवयव का पहला भाग क्या है उसके अवयव के बारे में और क्या है क्रिया विशेषण कहते हैं क्रिया विशेषण के कितने भेद है चार भेद है कौन कौन से हैं कालवाचक स्थानवाचक रीतिवाचक परिमाणवाचक। क्या है आप जो कहानी मैंने कहा है ना वो कहानी के बारे में आप याद रखिए तो आपको पूरी क्रिया विशेषण
प्रकार याद हो जाएंगे। और क्या है, इसमें कुछ प्रश्न भी है, मैं अगले जो कक्षा में क्या है इसके बारे में एक छोटा सा आपको देंगे, हम कितना इसके बारे में ध्यान दिए हैं इसके बारे में पता चलता है। एक 10 प्रश्न मैं देती हूँ, आप क्या है बहुत ही ईमानदारी से, आपको क्या है जितने भी 10 में अगर 2 ही ईमानदारी से लिखे तो काफी है, क्या है आप उसके उत्तर लिखकर मुझे भेज दीजिए। अगली कक्षा में इसके प्रश्न मैं आपको देती हूँ। आज का जो एक कक्षा जो क्रिया विशेषण के बारे में आपको पूरी तरह से जानकारी प्राप्त हुआ होगा। और क्या है, हम अगली कक्षा में जो अगला जो दूसरा प्रकार कौन सा है, संबंध बोधक क्रिया विशेषण, इसके बारे में हम अगली कक्षा में जानकारी प्राप्त करेंगे। आज के लिए काफी है, धन्यवाद।